आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। ये ट्रांसलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के ट्रांसलेशन में ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं और उसको कैसे सही करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीख के जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तुम पटना से दिल्ली जाते हो, तो इस टाइप के ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जहां से जाते हैं वहां पे टू लगाते हैं और जहां से निकलते हैं वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। यही गलती करते हैं कि वो उल्टा कर देते हैं इसी प्रोसेस को। देखिए कैसे करना, सही कैसे करना वो देखिए। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा वो देखिए। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जाते हैं, है ना, मैंने बता रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, तो तुम है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। तो यू के साथ भी वन का प्रयोग करते हैं, जाना, तो क्या हो जाएगा, यू गो, है ना, यू गो। जहां भी जाते हैं टू लगा के जाते हैं, यू गो टू। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप जा कहाँ रहे हैं वो देखिए। तो तुम पटना से दिल्ली जाते हो, पटना से दिल्ली जाते हो, पटना से दिल्ली जाते हो, जा रहा है वो दिल्ली। कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो जिस जहां भी जाएगा वो टू लगा के जाएगा, तो यू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली, यू गो टू दिल्ली। अब जहां से आप निकले हैं, जिस जगह को आप छोड़ रहे हैं, जिस जगह को आप लीव कर रहे हैं, उसके साथ आपको फ्रॉम लगाना है उससे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम पटना। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम पटना। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, पटना को यहाँ लिख देते हैं और दिल्ली को यहाँ लिख देते हैं, वही गलती हो जाता है। लेकिन वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यू गो टू दिल्ली फ्रॉम पटना। देखिए उसी टाइप का ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा कर दिया हूं मैं बस। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए, राम और मोहन मेरे साथ पटना से दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन जाते हैं, यानी गो। ठीक है, गो टू, राम एंड मोहन गो टू। अब कहाँ जा रहा है वो देखिए, जा रहा है वो फिर से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो जहां जाएगा उसके साथ टू लगे, उससे पहले क्या आएगा, टू आएगा। तो दिल्ली से पहले क्या आएगा, टू आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। अब देखिए किसको, किस जगह को छोड़ रहा है, किस जगह से वो निकल रहा है, पटना से। तो फ्रॉम आएगा उससे पहले, तो फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना। तो राम एंड मोहन गो टू दिल्ली फ्रॉम पटना मेरे साथ। मेरे साथ का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ, तो क्या हो जाएगा, विद मी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद मी। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या बन गया, राम एंड मोहन गो टू दिल्ली फ्रॉम पटना विद मी। ठीक है, वो मेरे साथ, राम और मोहन मेरे साथ पटना से दिल्ली जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, पटना को यहाँ लिख देते हैं, दिल्ली को यहाँ लिख देते हैं, वही गलती हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ना है और आपको देखना है कि आप जा कहाँ रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है, और जिस जगह को आप छोड़ रहे हैं, जिस जगह को आप लीव कर रहे हैं, उससे पहले आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करना है। आई होप गाइस कि अब आप लोग इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा पर्सनली। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका ट्रांसलेशन है, फर्स्ट राम और मोहन मेरे बिना दिल्ली से पटना जाते हैं, ये पहला होमवर्क हुआ आपका। दूसरा लिखिए, राम मेरे बिना दरभंगा से पटना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल है आपका, वे लोग पटना से मुंबई जाते हैं, वे लोग पटना से मुंबई जाते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा और आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है और चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।